दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत बुधवार को कानपुर नगर के विकास भवन सभागार में सूक्ष्म वित्त एवं वित्तीय समावेशन विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न कराई गई, जिसमें कानपुर नगर में समस्त बैंकों के शाखा प्रबंधक एवं बैंक सखियां और NRLM स्टाफ समेत समस्त ब्लॉक मिशन प्रबंधक एवं जिला मिशन प्रबंधकों ने कार्यशाला में प्रतिभाग करते हुए नेशनल रिसोर्स पर्सनल अनिल शर्मा एवं जितेंद्र यादव से उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में संचालित स्वयं सहायता समूह की सूक्ष्म वित्तीय एवं वित्तीय समावेशन से संबंधित बारीकियों को सीखा। वहीं उत्कृष्ट कार्य करने वाले शाखा प्रबंधक, ब्लॉक मिशन प्रबंधक एवं जिला मिशन प्रबंधक सहित बैंक सखियों को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला विकास अधिकारी गजेंद्र प्रताप सिंह ने सरस्वती माँ के चित्र पर माल्यार्पण करके एवं दीप प्रज्वलित करके कार्यशाला का शुभारंभ किया। वहीं कार्यशाला की अध्यक्षता कर रही डिप्टी कमिश्नर सुधा शुक्ला सहित ALDM अमित गुप्ता द्वारा भी दीप प्रज्वलित किया गया और सरस्वती माँ के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम के बढ़ते क्रम में मुख्य अतिथि जिला विकास अधिकारी गजेंद्र प्रताप सिंह ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि उक्त कार्यशाला से NRLM स्टाफ एवं शाखा प्रबंधकों के द्वारा योजना को गति देने में यह कार्यशाला अपनी अहम भूमिका अदा करेगी। उन्होंने कहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अपने जनपद की रैंकिंग को बेहतर कर सकेंगे और ग्रामीण महिलाओं की आजीविका को बढ़ाने में भी हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। अंत में डिप्टी कमिश्नर सुधा शुक्ला ने सभी का आभार व्यक्त किया। संचालन ब्लॉक मिशन प्रबंधक शाहिद खान ने किया। इस अवसर पर जिला मिशन प्रबंधक आदित्य शुक्ला, प्रभात भान, वसीम सिद्दीकी, ब्लॉक मिशन प्रबंधक नफीसुल हसन, कृष्णा दुबे, अनुज पाल, अनुज गुप्ता, पवन, रुबीना, शिवानी, प्रेमिका, नैन्सी, रामश्री, सीताराम, अभय वर्मा, वंदना, सुमन, अंजलि, अनुराधा, कंप्यूटर ऑपरेटर ऋषभ, बाल किशन, शिखा, लेखा सहायक अनुराग सहित बैंकों के शाखा प्रबंधक एवं बैंक सखियां उपस्थित रहीं। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए कानपुर से शाहिद खान की रिपोर्ट।